यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आई हैं, सत्र चल रहा है, पुलिस अभी भगाएगी, क्या कीजिएगा? नहीं भागेंगे हम लोग, एकदम कफन बांध के आए हैं कि हम लोग को सम्मानजनक मानदेय मिलने के बाद ही यहाँ से खाली करेंगे। 10 तारीख तक तो हम लोग समय दिए हैं ना, 10 तारीख के बाद भी अगर वो कुछ नहीं, अगर सम्मानजनक मानदेय हम लोग को देते हैं तो 10 तारीख के बाद भी यही डेरा डालो, घेरा डालो, यही करना है और यही सब कुछ हमको करना है। तस्वीर देखिए, बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर, वाटर कैनन का जो प्रयोग है वो आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो आंगनवाड़ी सेविका है वो बिहार विधानमंडल का घेराव करने के लिए पहुंची थी, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रशासन ने बल का प्रयोग करके सभी को फिलहाल मौके से हटाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से वाटर कैनन की जो गाड़ियाँ हैं उसका यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर देखिए ये वाटर कैनन की गाड़ियाँ और पानी की जो बौछार है वो अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के ऊपर छोड़ा जा रहा है, सभी को यहाँ से भगाया जा रहा है, चूँकि काफ़ी संख्या इन लोगों की। और देखिए 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये सभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँची। लगातार जो पानी की बौछार है वो इन सभी पर छोड़ी जा रही है। चारों तरफ आप देख सकती हैं काफ़ी संख्या में जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हैं। चारों तरफ का आप नज़ारा देखिए, अपनी जो साड़ी है, तिरपाल है जो लेके आई थी उससे अपने आप को ढक रखा है, चूँकि पानी लगातार इन लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है। 5 सूत्री मांगे थी जिसको लेकर के ये सभी प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची थी और फिलहाल जो इनका प्रदर्शन है वो यहाँ विधानसभा के बाहर चल रहा है और लगातार अब यहाँ से प्रशासन इनको हटा रही है। वाटर कैनन का भी उपयोग इन सभी पर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये लोग यहाँ से हटने को राजी नहीं है और प्रशासन बल का प्रयोग कर इन सभी को यहाँ से हटा रही है। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना।